ब्राह्मणवाद उस विचार को नहीं मान पाता तो उसको गरियाता है, खूब गालियां देता है, रिजेक्ट करता है, इग्नोर करता है, फिर भी नहीं मानता है विचार, तो वो उसको पूजा की वस्तु बना देता है कि सरस्वती की पूजा करो पढ़ो मत। सरस्वती देवी पूजा ज्ञान की देवी है, पूजो अगर पढ़ना मत तो अकल आ जाएगी, तुम बोलने लगोगे हमें तो गुलाम चाहिए। और ब्राह्मणवाद आतंकित करता है अपने ज्ञान से। देखिए एक चीज याद रखिए, दुनिया के जितने भी धर्म हैं और अभी तक जो संस्कृतियां आपके सामने, आदिवासी संस्कृतियों को छोड़कर जो भी धर्म आधारित संस्कृतियां हैं, सब सामाजिक अन्याय पर आधारित है। जिसने कहा मैं श्रेष्ठ हूं वो अन्यायी है। श्रेष्ठ का मतलब दूसरा छोटा है, तो आपने तो पहले ही अन्याय की नींव रख दी। तो धर्म को मानने वाले सब अन्याय करते हैं, मेरा ये मानना है, आप डिफर कर सकते हैं।